टुडे वी डिस्कस अबाउट फंजाई द जनरल करेक्टरिस्टिक्स. फंजाई द जनरल करेक्टरिस्टिक्स. नाउ द फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन. फंजाई इज द लैटिन वर्ड मीन्स मशरूम्स. सबसे पहले फंजाई को हम किस नाम से पुकारते थे? मशरूम के नाम से ये जाना जाता था. फंजाई टर्म जो है वो बाद में आया, लेकिन मशरूम जो है वो पुराना टर्म है. मशरूम के नाम से फंजाई को जाना जाता था. स्टडीड अंडर द ब्रांच माइकोलॉजी. इसका अध्ययन जो है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है. जैसे एल्गी का अध्ययन हम फाइकोलॉजी के अंदर करते हैं. फाइको मीन्स होता है एल्गा एंड माइको मीन्स होता है मशरूम. तो माइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है. माइकोलॉजी मीन्स माइकोस प्लस लोगोस. दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं माइकोलॉजी को, माइकोस प्लस लोगोस. माइकोस मीन्स होता है मशरूम और लोगोस मीन्स होता है स्टडीज. साइंटिस्ट हु स्टडीड कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट. जो वैज्ञानिक इसका अध्ययन करते हैं, फंजाई का अध्ययन करते हैं, उनको माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है. इट इज़ द एक्लोरोफाइलस थैलोफाइटा. फंजाई जो है थैलोफाइटा का एक बड़ा ग्रुप है और इसमें क्लोरोफिल जो है वो अनुपस्थित होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्लोरोफाइलस थैलोफाइटा. नाउ द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई. फंजाई के मुख्य लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक दो तरीके के पोषण होते हैं. न्यूट्रिशन यानी पोषण, दो तरीके के पोषण होते हैं. एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? जहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिन पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और जो पौधों के अंदर न्यूट्रिशन के आधार पर क्लोरोफिल जो है वो अनुपस्थित होता है, उनको कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये पौधे जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले पौधे हैं, वो अपना भोजन दूसरी चीज़ों से, सड़े गले पदार्थों से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, किसी दूसरे पादप से, इस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. तो पहला स्पेशल करेक्टरिस्टिक फंजाई का क्या है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? थैलस. थैलस, पहली चीज़ तो ये है कि थैलस क्या होता है. थैलस अनडिफ्रेंशिएटेड मास होता है एक तरीके से. जैसे पौधों को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, जड़, तना तथा पत्ती, लेकिन थैलस में हम तीन भागों में डिवाइड नहीं करते. यहाँ जड़, तना, पत्ती में डिवीज़न नहीं होता है. तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं, पहली चीज़. अब यहाँ पर थैलस कैसा होता है फंजाई के अंदर? यहाँ पर थैलस जो है यूनिसेल्युलर हो सकता है, जिसको हम एक कोशिकीय कहते हैं, यानी सिंगल सेल, एक कोशिकीय थैलस. प्लाज्मोडियल थैलस भी कैसा है? अमीबॉइडल टाइप का थैलस होता है. और ये यूनिसेल्युलर और प्लाज्मोडियल, यानी एक कोशिकीय और प्लाज्मोडियल थैलस जो है वो प्रिमिटिव फंजाई के अंदर पाया जाता है. प्रिमिटिव यानी आद्य फंजाई, प्रिमिटिव माने आद्य फंजाई. एंड फिलामेंटस थैलस. फिलामेंटस यानी तंतुमय थैलस. जहाँ जब थैलस तंतु के रूप में पाया जाता है, उसको हम फिलामेंटस थैलस कहते हैं. फिलामेंटस थैलस को हम फिर से डिवाइड करते हैं, एसेप्टेट एंड सेप्टेट. तो फिलामेंटस थैलस दो तरह के होते हैं. एक तो होता है एसेप्टेट, यानी उसमें किसी भी तरह का सेप्टा नहीं पाया जाता. सेप्टा यानी पट, किसी भी तरह का पट नहीं पाया जाता है. और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए रहते हैं. और ऐसे थैलस को हम क्या कहते हैं? सीनोसिटिक थैलस. सीनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, या संकोशिक कंडीशन कहते हैं. दूसरा आता है सेप्टेट थैलस. सेप्टेट यानी पट्टीय थैलस, यानी जिसके अंदर माइसीलियम फिलामेंट में यदि माइसीलियम पाया जाता है, माइसीलियम के अंदर सेप्टा पाए जाते हैं, ऐसे थैलस को हम सेप्टेट थैलस कहते हैं. और प्रत्येक सेप्टा के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं. ये न्यूक्लियस जो हैं
एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला करेक्टरिस्टिक है सेल वॉल। सेल वॉल फंजाई की स्पेशल होती है जो काइटिन से बनी होती है। काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है और इसको हम फंगल सेल्यूलोज के नाम से भी जानते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय संगठन, सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूकैरियोटिक, है ना। आप जानते ही होंगे कि दो तरीके के सेल होते हैं, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यानी जो बिल्कुल बेसिक कोशिका होती है, जैसे वायरस और बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक संरचना। और दूसरा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, न्यूक्लियस जो है उपस्थित होता है, और उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक संरचना। अब इसके आधार पर, सेल के आधार पर हम इसको फिर दो भागों में विभाजित करते हैं, होमोकैरियोटिक एंड हेट्रोकैरियोटिक, है ना। कैरियन मीन्स आप जानते ही होंगे, कैरियोटिक किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं, कैरियन, है ना, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। होमोकैरियोटिक एंड हेट्रोकैरियोटिक, जब दो न्यूक्लियस एक जैसे होते हैं, समान प्रकार के होते हैं, तो उसे होमोकैरियोटिक कहा जाता है, और जब न्यूक्लियस विभिन्न प्रकार के होते हैं तो उसे हेट्रोकैरियोटिक कहा जाता है। हेट्रोकैरियोटिक यानी विषम केंद्रक, होमोकैरियोटिक यानी सम केंद्रक। अगला पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है अनस्टेबल डाईकैरियोटिक फेस। डाईकैरियोटिक फेस, है ना, तीन तरह के फेस होती हैं, मोनोकैरियोटिक, डाईकैरियोटिक एंड मल्टीकैरियोटिक। शुरू में अवस्था जो है फिलामेंट के अंदर, एक न्यूक्लियस यदि उपस्थित होता है तो उसको हम कहते हैं मोनोकैरियोटिक। लेकिन जब उसमें रिप्रोडक्शन होता है, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस जो हैं विभाजित होते हैं, और ये न्यूक्लियस एक फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट की तरफ या एक सेल से दूसरे सेल की तरफ माइग्रेट करते हैं, और कोशिका जो है वो कैसी हो जाती है? डाईकैरियोटिक हो जाती है। ये डाईकैरियोटिक अवस्था जो है वो कैसी है? अस्थाई अवस्था है, अस्थाई, है ना, अनस्टेबल डाईकैरियोटिक फेस यानी अस्थाई अवस्था। यह अवस्था जो है बहुत थोड़ी सी देर के लिए रहती है, अल्पकालीन होती है, और जल्दी ही डाईकैरियोटिक अवस्था में क्या होता है? दोनों में जुड़ाव होता है, और माइटोटिक फेस के बाद में ये न्यूक्लियस जो है वो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाता है। अगला पॉइंट है होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, है ना, विषम समजालिक, थैलिक मीन्स जालिक, होमोथैलिक समजालिक और हेट्रोथैलिक, दो तरीके का स्ट्रक्चर पाए जाते हैं थैलस के, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, समजालिक और विषम जालिक। नेक्स्ट है फंजाई कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार हैं इसके। एक तो है सैप्रोफिटिक फंजाई यानी मृतोपजीवी, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से, मरे हुए पदार्थों से लेते हैं, उनको हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। नंबर दो पैरासिटिक यानी परजीवी, जो अपना भोजन दूसरी जीवित चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम पैरासिटिक या परजीवी कहते हैं। और तीसरा है सिम्बायोंट्स, सिम्बायोंट्स यानी सहजीवी, सहजीवी यानी दोनों मेंबर जो हैं, यानी फंजाई और मान लीजिए दूसरा एल्गी है, दोनों मेंबर अपना भोजन एक दूसरे से प्राप्त करते हैं और एक दूसरे से अपना आश्रय भी प्राप्त करते हैं, ऐसे को हम कहते हैं सिम्बायोंट्स या सहजीवी। तो कितने तरीके की हो गई? तीन तरह के हो गए। एक तो हो गया सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी, दूसरा हो गया पैरासिटिक यानी परजीवी, और तीसरा हो गया सिम्बायोंट्स यानी सहजीवी। सम आर हाइपर पैरासाइट्स, हाइपर पैरासाइट्स हिंदी में इसको हम कहते हैं परात्पर जीवी, यानी एक ऑलरेडी परजीवी है और परजीवी के ऊपर दूसरी फंजाई जो है फिर से परजीवी हो जाए, उसको हम कहते हैं हाइपर पैरासाइट्स या परात्पर जीवी। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, फंजाई जो हैं कैसी हैं? सर्वव्यापी हैं, सब जगह
पाई जाती हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कॉस्मोपॉलिटन है, सब जगह पाई जाने वाली यानी सर्वव्यापी फंजाई। तो ये इसके मुख्य कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आते हैं हम हैबिटेट पर, यानी आवास, कहाँ पर ये मिलती हैं। पहला है एक्वेटिक फंजाई और दूसरा है टेरेस्ट्रियल फंजाई। एक्वेटिक जो पानी के अंदर मिलती हैं, ऐसी फंजाई को हम कहते हैं एक्वेटिक या जलीय फंजाई। एक्वेटिक को हम हिंदी में कहते हैं जलीय, जलीय फंजाई। टेरेस्ट्रियल जो स्थलीय, टेरेस्ट्रियल कहते हैं स्थलीय को, स्थलीय फंजाई। स्थलीय फंजाई को हम फिर से चार भागों में डिवाइड करते हैं। पहली है सॉयल फंजाई, दूसरी है सिम्बायोटिक फंजाई, तीसरी है पैरासिटिक फंजाई और चौथी है हाइपर पैरासिटिक फंजाई। सॉयल फंजाई यानी मृदीय कवक, है ना, हिंदी में कहेंगे हम इसको मृदीय कवक। जो कवक यानी जो फंजाई मृदा के अंदर पाई जाती हैं उनको हम मृदीय कवक कहते हैं। नंबर दो सिम्बायोटिक फंजाई, जो सहजीवी हैं फंजाई उनको हम सिम्बायोटिक फंजाई कहते हैं। तीसरा जो परजीवी हैं, ऐसे परजीवी कवक को हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक फंजाई कहते हैं, परजीवी फंजाई। और फिर है हाइपर पैरासिटिक फंजाई यानी परात्पर जीवी कवक, यानी परजीवी, पहले तो परजीवी और परजीवी के ऊपर दूसरी फंजाई फिर से परजीवी है तो उसको हम कहते हैं हाइपर पैरासिटिक फंजाई। नेक्स्ट आता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी थैलस का संगठन किस प्रकार से। थैलस को हम हिंदी में कहते हैं सुकाय, सुकाय का संगठन कैसा होता है ये हम डिस्कस करेंगे। पहला है नॉन माइसीलियल और यूनिसेल्यूलर थैलस। पहला थैलस कैसा है? यूनिसेल्यूलर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि थैलस जो हैं वो यूनिसेल्यूलर, प्लास्मोडियल और फिलामेंटस टाइप के होते हैं, तो वही यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। यूनिसेल्यूलर थैलस यानी एक कोशिकीय सुकाय, है ना। इसका उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका यीस्ट, है ना। यीस्ट जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ये एक कोशिकीय थैलस है। दूसरा है फिलामेंटस थैलस, जिसको हम माइसीलियल थैलस भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं माइसीलियल थैलस? जब फिलामेंट्स जब बहुत सारा एक जाल सदृश संरचना बना लेते हैं, खूब सारे फिलामेंट्स मिलकर एक जाल सदृश संरचना बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं माइसीलियम यानी कवक जाल, है ना। तो ऐसे थैलस को हम क्या कहेंगे? माइसीलियल थैलस कहेंगे। ये फिर दो भागों में बांट सकते हैं हम इसको, एक तो है एसेप्टेट हाइफी और दूसरा है सेप्टेट हाइफी। पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, एसेप्टेट यानी कंडीशन कैसी है? सीनोसिटिक है। सीनोसिटिक यानी संकोशिकीय, संकोशिकीय संरचना यानी न्यूक्लियस यानी केंद्रक साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। हाइफी किसको कहते हैं? फिलामेंट का एक तंतु जो है वो हाइफी कहलाता है। जब बहुत सारे हाइफी मिलकर एक गुच्छा बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। तो एसेप्टेट हाइफी, हाइफी एसेप्टेट यानी कैसा? सीनोसिटिक संकोशिक कंडीशन वाला फिलामेंट, है ना, एसेप्टेट हाइफी। इसके अंतर्गत कौन सी फंजाई आती हैं? क्लास फाइकोमाइसिटिस की फंजाई आती हैं। दूसरा है सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी में एडवांस फंजाई आती हैं जिसके अंदर पट पाए जाते हैं, ऐसे हाइफी को हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी। ये क्लास एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस वर्ग के अंदर आती हैं। वर्ग जो है एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, इनको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो ये फंजाई जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सोमेटिक फेज। सोमेटिक फेज में थैलस, थैलस क्या है? पहले भी हमने बताया, ए प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम लीव्स एंड ट्रू रूट्स, यानी जड़ पत्ती तथा तने के अंदर विभाजन जिसका नहीं होता है, ऐसी प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं, ना। फिर से देखिए आप, ए प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम लीव्स एंड ट्रू रूट्स एंड लैक्स ऑफ ए वैस्कुलर सिस्टम दैट इज कॉल्ड
थैलस, इट मे बी यूनिसेल्युलर और फिलामेंटस। दो तरह का थैलस अभी बताया ही था आपको, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये थैलस कैसा है, दो प्रकार का, यूनिसेल्युलर और फिलामेंटस। पहला है यूनिसेल्युलर थैलस, यानी एक कोशिकीय थैलस। इन सम ऑफ द लोअर फंजाई सच एज काइट्रिट्स द थैलस इज मोर आर लेस स्फेरिकल सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। कैसा है, एक कोशिकीय संरचना है इनको। ये ज़्यादातर काइट्रिट्स नाम की फंजाई के अंदर पाए जाते हैं। ये फंजाई लोअर ग्रुप की फंजाई हैं और ये जो है स्फेरिकल हो सकती हैं और एक कोशिकीय हो सकती हैं। सबसे अच्छे उदाहरण इसके हैं सिनकाइट्रियम और यीस्ट, ठीक है ना। ये देखिए आप, यहाँ ये डायग्राम है यूनिसेल्युलर थैलस का। यूनिसेल्युलर थैलस जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं यूनिसेल्युलर थैलस। दूसरा है फिलामेंटस थैलस। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द फंजाई हैव ए फिलामेंटस थैलस। ज़्यादातर जितने भी प्रगत कवक हैं, एडवांस्ड फंजाई, उसके अंदर कैसा थैलस पाया जाता है, फिलामेंटस थैलस पाया जाता है। फिलामेंट को मैंने अभी आपको बताया था क्या कहते हैं, एक फिलामेंट को हम हाइफी कहते हैं। और जब बहुत सारे फिलामेंट यानी बहुत सारी हाइफी जब मिलकर एक गुच्छे के सदृश संरचना बना लेती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए फिलामेंटस थैलस। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द फंजाई हैव ए फिलामेंटस थैलस। इट ओरिजिनेट्स थ्रू द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, यानी स्पोर्स के जर्मिनेशन से इनका उद्भव होता है। द स्पोर्स गिव्स राइज टू फ्लफी थैलस कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉटनी मास ऑफ फाइन ब्रांच्ड फिलामेंट्स। स्पोर्स जो हैं वो एक थैलस को जन्म देते हैं। ये थैलस कैसा दिखाई देता है, जब बहुत सारा माइसीलियम यानी बहुत सारी हाइफी जब एकजुट होकर एक जाल सदृश संरचना बनाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। और ये दिखने में कैसा लगता है, कॉटनी मास। कॉटनी मास यानी एकदम जैसे रुई होती है उस तरीके की संरचना हमको दिखाई देती है। आपने देखा होगा जब किसी भी सड़ी गली चीज़ों पर फंजाई उगती है, कभी सड़े हुए अचार आपने देखे होंगे, सड़े हुए फल आपने देखे होंगे जिनके ऊपर फंजाई जो है काली पीली सफ़ेद फॉर्म में आपको दिखाई देती है, तो आपने देखा होगा ये एक कॉटनी मास की तरह दिखाई देती है। और ये फिलामेंट्स कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं यानी शाखित होते हैं। एग्जाम्पल है इनका, उदाहरण है पेनिसिलियम स्पीशीज़, बहुत सारे हैं। यहाँ पर एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं पेनिसिलियम, और भी हैं, राइजोपस है, एस्परजिलस है ना, बहुत सारी फंजाई होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण हमने आपको दिया है पेनिसिलियम स्पीशीज़।